Dear students, viewers and readers of this channel, S. Prasad Fundamental Math. आज मैं आपको trigonometry का compound angle से related part 4 बता रहा हूँ. इसमें भी डिडक्शन मैं बता रहा हूं, कुछ और डिडक्शंस हैं जिसको याद रखनी चाहिए. तो एक डिडक्शन ये है, डिडक्शंस ऑफ कंपाउंड एंगल्स. Compound angles. देखिए, मैं चार डिडक्शन के एक बताया था, उसमें से एक डिडक्शन ये भी है. साइन ए प्लस बी into sine a minus b, इन दोनों का प्रोडक्ट जो है यह sine square a minus sine square b के बराबर होगा. और इसको यदि cos में ब्रेक कर देते हैं तो आप लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर a माइनस ये माइनस 1 माइनस cos स्क्वायर b. तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1 कैंसिल हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगा cos स्क्वायर b माइनस cos स्क्वायर a, ये इतना हो जाएगा. तो इसका प्रूफ देखिए, प्रूफ यहां LHS is equal to given है sin a plus b into sin a minus b. जिसको ओपन करके लिखेंगे तो इस प्रकार से आप लिखेंगे, दिस इज इक्वल टू साइन ए इनटू कॉस बी, साइन ए इनटू कॉस बी प्लस कॉस ए इनटू साइन बी, cos A into sin B. और दूसरा ब्रैकेट में लिखाएगा sin A into sin A into cos B minus cos A into sin B. cos into sin b, ये इतना हो गया. अब आप इसको लिखेंगे, this is equal to sin square a sin square a into
कॉस स्क्वायर बी ये लिखा जाएगा माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू ओ सॉरी कॉस स्क्वायर ये कॉस स्क्वायर बी नहीं सॉरी साइन स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी ऐसे लिखा जाएगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला लगेगा और यह रिजल्ट इतना होगा। तो इसको जब आप ब्रेक करेंगे तो यदि इस रिजल्ट को लाना है तो यहाँ कॉस स्क्वायर बी को ब्रेक कर दीजिए साइन स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी का मतलब हो गया वन माइनस साइन स्क्वायर वन माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस वन माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी इसको मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो ये आएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी और माइनस का प्लस हो जाएगा साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी अब यहां से ये टर्म कैंसिल हुआ और रिजल्ट आ गया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी एक बार ध्यान से देख लीजिए तो साइन ए प्लस बी इंटू साइन ए माइनस बी का मान हुआ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब मैं दूसरा रिजल्ट बता रहा हूं ये दूसरा रिजल्ट है कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी ये वैल्यू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये इतना होता है और इसको ब्रेक कर देंगे तो देखिए होगा ये इतना वन माइनस साइन स्क्वायर ए और माइनस वन माइनस कॉस स्क्वायर बी
वन कैंसिल हो जाएगा और रिजल्ट आ जाएगा यहाँ कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए, ये रिजल्ट आएगा। तो देखें यहाँ पर एल एच एस प्रूफ, प्रूफ एल एच एस इज इक्वल टू, एल एच एस इज इक्वल टू, यहाँ पर एल एच एस है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए प्लस बी इंटू कॉस ए माइनस बी, और इसका आप मान रखेंगे तो देखिए आएगा इतना, दिस इज इक्वल टू कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, और दूसरा ब्रैकेट में कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, ये रिजल्ट हो गया। अब यहां पर भी फॉर्मूला लगाइए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहां देखिए इसको ए मान लिया जाएगा, इसको बी मान लिया जाएगा, तो ये लिखा जाएगा दिस इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, अब आप इसको ब्रेक करके लिखें देखिए, दिस इज इक्वल टू यहां पर कॉस स्क्वायर ए लिखें, कॉस स्क्वायर ए और कॉस स्क्वायर बी को लिखें वन माइनस साइन स्क्वायर बी, माइनस साइन स्क्वायर को लिखें वन माइनस साइन स्क्वायर ए, वन माइनस कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी, ये हो गया। मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई करने के बाद ये रिजल्ट आएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए
इनटू साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी माइनस ये आ जाएगा साइन स्क्वायर बी और माइनस का प्लस हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर बी। अब ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो गया और आपको बच गया यहाँ पर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर बी एंड दिस इज टू बी प्रूव्ड, यही सिद्ध किया जाना था। आप यहां लिखिए इज इक्वल टू आर एच एस हो गया फार्मूला। तो इन फार्मूलों को डायरेक्ट याद रखना आवश्यक है। अब देखिए एक तीसरा फार्मूला, देखिए एक चीज और मैं बता दे रहा हूं, टैन ए प्लस बी या कॉट ए प्लस बी का मान बिना ज्योमेट्री से भी निकाला जा सकता है। देखिए ऐसे निकलेगा टैन ए प्लस बी इज इक्वल टू साइन ए प्लस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए प्लस बी। ऐसे भी आप ट्रिगोनोमेट्री लगा करके निकाल सकते हैं। यहां वैल्यू हो गया साइन ए इंटू कॉस बी, साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी और नीचे रिजल्ट हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, ये हो गया। अब आप ऊपर कॉस ए इंटू कॉस बी से ऊपर नीचे डिवाइड कर दो, इसको आप इस प्रकार से लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। माइनस ये सॉरी माइनस नहीं ये प्लस होगा, प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, कॉस ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी होल डिवाइडेड बाय यहां ऐसे हो गया कॉस ए इंटू कॉस बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी डिवाइडेड बाय कॉस ए इंटू कॉस बी। तो
ये वैल्यू हो गया, देखिए कॉस बी यहाँ से कैंसिल हो गया, यहाँ से कॉस कैंसिल हो गया, ये वन हो गया और यहाँ से ये कैंसिल नहीं हुआ, तो वैल्यू हो गया वन माइनस ये, यहाँ बच गया टेन ए, टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। तो इस प्रकार से आप साइन ए प्लस बी और कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा करके टेन ए प्लस बी निकाल सकते हैं। अब मैं आगे का रिजल्ट बता रहा हूं। तीसरा, तीसरा रिजल्ट आपको साबित करना है टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस बी प्लस सी ये दिस इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन, तो यहां से लिखें आप वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी टेन सी इंटू टेन डी टेन ए, ये साइक्लिक ऑर्डर में लिखा हुआ है और ऊपर में होगा टेन ए प्लस टेन बी, एक मिनट, ऊपर में होगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी माइनस टेन ए इंटू टेन बी टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, इतना रिजल्ट होगा। तो देखिए इसको कैसे प्रूव किया जाता है। प्रूव देखिए एलएचएस LHS इज इक्वल टू है टेन ए प्लस बी टेन ए प्लस बी प्लस सी, तो इसका वैल्यू इस प्रकार से लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी को एक ब्रैकेट में रखें और यहां प्लस सी रखे इसे। अब इसको दो एंगल आप मान लें, एक ए प्लस बी एक सी, और टेन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें
यहाँ देखिए रिजल्ट आ जाएगा टेन ए प्लस बी प्लस टेन सी, ये रिजल्ट आ जाएगा डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए प्लस बी इंटू टाइम सी, ये रिजल्ट आ जाएगा। और इसको आप ब्रेक करके लिखेंगे तो इतना आएगा टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और प्लस का यहाँ टेन सी हो गया, होल डिवाइडेड बाय हो गया वन माइनस टेन ए प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। और इंटू में हो गया टेन सी। अब एलसीएम लेकर के ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए तो दिस इज इक्वल टू हो जाएगा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी को एलसीएम लिया तो यहाँ आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी, टेन ए प्लस टेन बी टेन बी, और चूंकि एलसीएम लिए हैं इसलिए प्लस यहाँ आ जाएगा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, टेन ए इंटू टेन बी और इंटू टेन सी होल डिवाइडेड बाय देखिए आ जाएगा वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, और माइनस आ जाएगा टेन ए प्लस टेन बी इंटू टेन सी। और इस प्रकार से यह रिजल्ट आ गया दिस इज इक्वल टू टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन बी प्लस टेन सी प्लस टेन सी और माइनस टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी होल डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी। माइनस टेन बी इंटू टेन सी माइनस टेन सी इंटू टेन ए, और यही आर एच एस हो गया आर एच एस। तो देखिए सब प्रूफ करना बहुत आसान काम है,
एक बार आप एक्सरसाइज कर लेंगे तो तरीका याद रखा जाएगा। ये 10th क्लास में पूछा जाता है। अब मैं चौथे रिजल्ट पर आ रहा हूं। चौथा रिजल्ट कहता है, यह कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई, देन प्रूव दैट। ये टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन बी इंटू टेन सी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। तो देखिए इसका प्रूफ देखिए। सिंस आप इस सवाल को ऐसे भी कर सकते हैं, किसी त्रिभुज में सिद्ध करें टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी, क्योंकि ये जो प्रॉपर्टी है ये किसी त्रिभुज में ही होता है। तीनों एंगल का जो पार ये किसी ट्रायंगल में ही होता है। इसलिए इस सवाल को बदल करके भी पूछा जाता है, इन ए ट्रायंगल प्रूव दैट टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। तो सिंस यहाँ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू पाई है, सो यहाँ ए प्लस बी इज इक्वल टू पाई माइनस सी हो जाएगा। अब दोनों तरफ टेन लेने पर दिस इंप्लाइज आप लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी इज इक्वल टू टेन पाई माइनस सी, टेन पाई माइनस सी, और टेन पाई माइनस सी ये माइनस टेन सी के बराबर होगा, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट का एंगल है और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन पॉजिटिव होता है। तो दिस इंप्लाइज यहां लिखेंगे टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन बी डिवाइडेड बाय वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस टेन सी एंड दिस इंप्लाइज लिखेंगे टेन ए प्लस टेन बी इज इक्वल टू माइनस टेन से ये डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करें तो यह आ जाएगा माइनस टेन सी, और माइनस माइनस सी साइन प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा टेन ए टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी।
तो दिस इंप्लाइज टेन ए प्लस टेन बी प्लस टेन बी, और इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए, प्लस टेन सी इज इक्वल टू टेन ए इंटू टेन बी इंटू टेन सी। यह एक मेथड है, आप उसमें भी निकाल सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू पाई, तो सिद्ध करना रहेगा इन टर्म्स ऑफ कॉट, तो कॉट में भी ला सकते हैं रिजल्ट को, तो वो तो सीधे रिजल्ट हो जाएगा वन बाई टेन ए वन बाई कॉट ए वन बाई कॉट बी वन बाई कॉट सी इज इक्वल टू वन बाई कॉट ए इंटू कॉट बी इंटू कॉट सी हो जाएगा। तो रिजल्ट तो स्पष्ट है कॉट के केस में, उसको कॉट में बदल करके देखें तो ऐसे भी ला सकते हैं और फार्मूला लगा करके भी ला सकते हैं। अब मैं यहाँ पर वीडियो को समाप्त कर रहा हूँ।